हेलो फ्रेंड्स, हिमांशु मोटर राइडर चैनल के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक्सपल 200T, जो कि एक ऑफ रोडर भी आती है और एक स्पोर्टी बाइक। दोनों बाइक अपने को इसी सेगमेंट में मिलती है, इसी इंजन के साथ में मिलती है। तो पहले इसका सिनेमेटिक एंजॉय कीजिए, उसके बाद में अपन बात करते हैं गाड़ी की। तो ये है अपनी एक्सपल 200T4V। तो ये अपने को ऑफ रोड एंड स्पोर्ट दोनों ही इंजन के साथ में गाड़ी मिलती है। इंजन इनका सेम है, वो भी अपन बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको बता दूं, काफ़ी अच्छी बाइक है प्राइस के हिसाब से, इंजन के हिसाब से और इनके फीचर के हिसाब से। तो फीचर आप देख सकते हो, इसके अंदर अपने को फुली डिजिटल डिस्प्ले मिलती है, जिसके अंदर अपने को सारी चीज़ें मिल जाती है। बात करें हेडलाइट की, तो इसके अंदर अपने को फुली एलईडी सेटअप के साथ में एलईडी हेडलाइट मिलती है और एलईडी टीआरएल मिल जाते हैं। बात करें इंडिकेटर वगैरह की, तो वो अपने को नॉर्मल मिल जाते हैं। इसके साथ साथ इसके अंदर अपने को आरपीएम, गियर इंडिकेटर, अपना स्पीडोमीटर, ये ट्रिप वन ट्रिप टू, फ्यूल इंडिकेटर, ये सारी चीज़ें मिल जाती है। उसी के बाद में इसमें अपने को माइलेज, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, अपना कैसे क्या परफॉर्मेंस के हिसाब से गाड़ी चल रही है, डेट वगैरह, किस टाइम पे कितनी गाड़ी चली है, वो सारी डिटेल इसके अंदर अपने को मिल जाती है। इसका डिस्प्ले अपने को छोटा मिलता है, लेकिन काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, सभी जानकारी उसके अंदर अपने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ लुक देख सकते हो, कितना प्यारा लुक है मिरर्स का भी। बात करें स्विचेस की, तो ये अपना हाई बीम लो बीम इंडिकेटर, हाई बीम के लिए इंजन किल स्विच, सेल्फ का बटन, तो कुछ इस प्रकार के इंजन की साउंड मिल जाती है। फ्रंट के अंदर अपने को फुली एलईडी सेटअप के साथ में हेडलाइट है, जिसके ऊपर अपने को हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, ऊपर की साइड हीरो का लोगो मिल जाता है। और बात करें सस्पेंशन की, तो इसके अंदर अपने को टेलीस्कोपिक सस्पेंशन मिलते हैं, जो कि काफ़ी अच्छे हैं। बात करें एलॉय व्हील की, तो एलॉय व्हील अपने को काफ़ी स्टाइलिश एंड ABS के साथ में ये गाड़ी अपने को मिल जाती है। उसी के साथ साथ टायर की बात करें, तो टायर भी आप देख सकते हो, काफ़ी बड़ा टायर अपने को 17 इंच का टायर इसमें अपने को दिया हुआ है। डिस्क का ऑप्शन भी इसके अंदर अपने को मिल जाता है, जो कि इसमें एक ही वेरिएंट आता है स्टैंडर्ड, जिसमें अपने को डिस्क वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती है। बात करें डिस्क साइज की, तो फ्रंट के अंदर अपने को 276 mm का डिस्क मिल जाता है सिंगल चैनल ABS के साथ में, और ये अपने को मेटल का गार्ड मिल जाता है। सस्पेंशन के ऊपर अपने को रिफ्लेक्टर मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ फ्रंट के अंदर 180R17 का अपने को टायर प्रोफाइल मिल जाती है। इसके अंदर ज़्यादातर पार्ट अपने को मेटल के ही मिलते हैं, प्लास्टिक काफ़ी कम यूज़ की हुई है। उसी के साथ साथ मैं आपसे बात करूं, तो ये गाड़ी बनी है अपने एक्सट्रीम और एक्सपल, जो अपने ऑफ रोडर वाली है, उन दोनों को मिला के। कई पार्ट्स उसके यूज हुए हैं, कई पार्ट्स अपने एक्सपल के यूज हुए हैं, उसके साथ साथ कई नए पार्ट्स भी इसमें लगाए हुए हैं। टैंक आप देख सकते हो, हीरो की ब्रांडिंग एक्सपल 200T। उसी के साथ साथ 13 लीटर का फ्यूल टैंक अपने को इसमें मिल जाता है। इंजन गार्ड भी मिल जाता है, वो भी अपने को मेटल का मिलता है। बात कर ले इसके इंजन की, तो इसके अंदर अपने को 199.6 cc का इंजन मिल जाता है, जो कि 18.83 BHP की पावर जनरेट करता है। बात करें माइलेज की, तो लगभग 40 तक का ये माइलेज दे देती है। उसके साथ साथ टॉप स्पीड 120 से 125 होने वाली है। उसी के साथ साथ इसके अंदर अपने को 4 valve और 2.6 लीटर का रिजर्व की कैपेसिटी इसके अंदर अपने को मिल जाती है। 5-speed मैनुअल गियर के साथ में ये गाड़ी अपने को मिलती है। रियर के अंदर अपने को एक लेडीज गार्ड मिल जाता है। टायर की बात करें, तो इसके अंदर अपने को रियर में 130/70R17 का टायर मिल जाता है, जो कि ट्यूबलेस प्लस रेडियल टायर अपने को इसमें मिल जाते हैं। उसी के साथ साथ रियर में भी अपने को इसमें डिस्क मिल जाता है, जो कि 220 mm का अपने को मिलता है।
सीट की बात करें तो काफी बड़ी सीट अपने को मिल जाती है सेम एक्सपल वाली, उसी के साथ साथ यहाँ पर एक किट का हॉल दिया हुआ है जिससे अपन सीट अपने ओपन कर सकते हैं। ये इसका रियर लुक है, रियर के अंदर अपने को फुल्ली एलईडी टेल लाइट मिल जाती है, हीरो की ब्रांडिंग मिल जाती है, उसी के साथ साथ में तो आप देख सकते हो लाइट का लुक कैसा आ रहा है। उसके बाद में नीचे के साइड में अपने को मिल जाता है इसमें अपने नंबर प्लेट के लिए लाइट, और साइड में मिल जाता है इसमें अपने को इंडिकेटर। तो एक बार मैं सीट अपने को ओपन करके दिखा देता हूँ, एक मिनट मैं आपको सीट ओपन करके दिखाता हूँ। तो सीट के नीचे अपने को फर्स्ट किट बॉक्स मिल जाता है, उसके साथ साथ कुछ छोटा मोटा स्पेस मिल जाता है, बड़ा स्पेस इसके अंदर अपने को कुछ भी नहीं मिलता, और छोटे मोटे अपने जो टूल होते हैं वो मिल जाते हैं, वो सीट के नीचे ही लगे हुए आते हैं। तो ये सारी चीज़ें मिल जाती है, उसके साथ साथ इसका जो सेंसर का है कनेक्टर UBS का पॉइंट, USB का पॉइंट सॉरी, वो अपने को सीट के नीचे मिल जाता है। तो ये इसका रियर का लुक है जो कि आप देख सकते हो। वेट की बात करोगे तो 154 केजी का कर्ब वेट है, 799 mm का सीट हाइट है। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करोगे तो 175 mm अपने को मिल जाती है। तो ये इसका सस्पेंशन है जो कि मोनोशॉक सस्पेंशन, अपने को 7 टाइप एडजस्टेबल सस्पेंशन मिल जाता है, और ये इसका डिस्क अपने को मिल जाता है। उसी के साथ साथ गाड़ी के अंदर अपने को 5 साल या 70,000 किलोमीटर तक की अपने को गारंटी वारंटी इसकी मिल जाती है। ऑडोमीटर डिजिटल मिल जाता है, बाकी सारे DRL, GPS, USB, ब्लूटूथ सारे ऑप्शन सारे अपने को इसमें मिल जाते हैं। काफ़ी अच्छी बाइक अपने को ये मिल जाती है। बात करें प्राइसिंग की तो ये अपने को गाड़ी पड़ने वाली है जयपुर, मैं अभी सूर्या मोटर में खड़ा हूँ, सूर्या मोटर VKI जयपुर में, तो ये अपने को 1,60,000 रुपये करीब ऑन रोड पड़ने वाली है। लिक्विड कूल्ड अपने को इसमें अपने को इंजन मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी पावर और काफ़ी अच्छा माइलेज ये दे देती है। तो ये हमारी आपको छोटी सी जानकारी कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये जरूर बताएं कि आपको एक्सपल 200 अच्छी लगती है या एक्सपल 200T अच्छी लगती है। दोनों का कंपैरिजन वीडियो भी मैं जल्दी ही डाल दूंगा, लेकिन आप अभी के टाइम पे भी देख सकते हो दोनों बराबर में खड़ी है।